नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम लोग 17 मार्च की ग्रह स्थिति देखते हैं। राहु मिथुन राशि में, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, केतु, चार चार ग्रह धनु राशि, शनि मकर राशि में, कुंभ राशि में बुध है और मीन राशि में सूर्य का गोचर। राशिफल शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि, भाग्य बस कोई काम बनेगा, रुका हुआ कार्य चलना पड़ेगा, धर्म कर्म में भाग लेंगे, स्वास्थ्य अच्छा, प्रेम अच्छा, व्यापार अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है, निरंतर तरक्की कर रहे हैं, केसर का तिलक लगावे और अच्छा। वृषभ राशि, विपरीत परिणाम देने वाला समय है, थोड़ा बच के पार करें, कोई भी निवेश मत करिए, किसी भी तरीके की शारीरिक जोखिम मत लीजिए, आर्थिक जोखिम मत लीजिए, जोखिम भरा समय है। स्वास्थ्य, व्यापार, प्रेम मध्यम, पीले वस्तु का दान करें अच्छा होगा। मिथुन राशि, नव प्रेम का आगमन, शादी ब्याह तय होना, जीवन साथी से चली आ रही मनमुटाव दूर होंगे, मुलाकात का अवसर मिलेगा, चाहे वो प्रेम में हो चाहे वैवाहिक संबंध हो। व्यापार में तरक्की कर रहे, स्वास्थ्य में सुधार हो रहा, प्रेम में बढ़ोतरी हो रही, बहुत ही अच्छा समय। चने की दाल गुरुवार के दिन दान करें या किसी भी दिन दान करेंगे तो आपके लिए अच्छा। कर्क राशि, जो डायबिटिक हैं वो थोड़ा सा अपने सेहत पे ध्यान रखें, वेट बढ़ने का संकेत है, इस बात का भी ध्यान रखें, यानी कि स्वास्थ्य मध्यम चलना है। शत्रु पक्ष परेशान नहीं कर पाएगा, स्वयं नतमस्तक होगा, आपके चरणों में होगा, दोस्ती करने की सोचेगा। व्यापार अच्छा है, स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम बहुत अच्छा है, किसी तरह की कोई जोखिम नहीं। पीली वस्तु पास रखें, केसर का तिलक लगाएं और अच्छा। सिंह राशि, लिखने पढ़ने के लिए उत्तम समय। जो लोग पांडित्य का कार्य करते हैं, अध्यापक हैं, शुभ कार्य से जुड़े हुए हैं, उत्तम समय रहेगा उनके लिए। स्वास्थ्य अच्छा, प्रेम अच्छा, व्यापार बहुत अच्छा, केसर का तिलक लगाएं, लाल वस्तु पास रखें और अच्छा होगा। कन्या राशि, भूम भवन वाहन के खरीदारी का योग बनेगा, घर में कुछ उत्सव होगा, कुछ पूजा पाठ, कुछ मांगलिक कार्य होने का संकेत है। प्रेम अच्छा, स्वास्थ्य अच्छा, व्यापार बहुत अच्छा, पीली वस्तु का दान करें और अच्छा होगा। तुला राशि, घोर पराक्रमी बने रहेंगे, आप द्वारा किया गया पराक्रम आपको सफलता भी दिलाएगा। व्यापारिक स्थिति अच्छी, स्वास्थ्य मध्यम है और प्रेम की स्थिति बहुत अच्छी, चने की दाल दान करें और अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, रुपए पैसे से परिपूर्ण रहेंगे, जुबान नियंत्रित हो सकती है, कुछ शुभ समाचार प्राप्ति हो सकती है, कुटुंबों में वृद्धि हो सकती है, स्वास्थ्य अच्छा, प्रेम अच्छा, व्यापार बहुत अच्छा, केसर का तिलक लगाएं और अच्छा। धनु राशि, बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, आपके कुंडली में निरंतर तरक्की कर रहे हैं। जो लोग शुभ कार्य से या किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्चुअल या पुलिस बल में काम करते हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य अच्छा, प्रेम अच्छा, व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा, बजरंगबली का दर्शन करें, केसर का तिलक लगावे और अच्छा। मकर राशि, खर्च की अधिकता, मानसिक परेशानी, सरदर्द, नेत्र विकार, यद्यपि शुभ कार्यों में खर्च होगा लेकिन खर्च से आप परेशान होंगे। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम मध्यम, व्यापार अच्छा है, लाल वस्तुओं का दान करें और अच्छा। कुंभ राशि, रुका हुआ धन वापस मिलेगा, आय के नए स्रोत बनेंगे, प्रेम में एक अच्छी स्थिति दिख रही है, स्वास्थ्य में सुधार है, संतान पक्ष से शुभ समाचार, प्रेम पक्ष से शुभ समाचार, सब कुछ बहुत अच्छा है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे प्रेम हो, चाहे व्यवसाय हो। पीली वस्तुओं का दान करना, भगवान विष्णु का दर्शन करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मीन राशि, सरकारी तंत्र से लाभ, व्यापारिक दृष्टिकोण से उत्तम समय, पैतृक संपत्ति में इजाफा, कोर्ट कचहरी में विजय, उत्तम समय, स्वास्थ्य अच्छा, प्रेम अच्छा, व्यापार बहुत अच्छा, बजरंगबली का दर्शन करें, उन्हें प्रणाम करें, लाल वस्तु अर्पित करें और अच्छा। नमस्कार।